हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने नाम लिखना सीखा था हिंदी से इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, किसी भी हिंदी नाम को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो सीखा था, और अब हम सीखेंगे कि किसी भी इंग्लिश नेम को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले आप पिछले क्लास में दिए हुए होमवर्क का आंसर देख लो, मिला लो। अगर आपने बनाया है, लिखा है आपने, तो मैच कर लो, और जहाँ गलती होगा वहाँ पर आप सुधार लेना। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप देखो स्क्रीन पे। जहां कहीं भी आपके गलतियां हैं वहां पर आप सुधार लो, और अगर आपने सही लिखा है तो बहुत अच्छा। ओके फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, चेक कर सकते हो, मैच कर सकते हो जो आपने बनाया है उस। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, अभी हम इंग्लिश से हिंदी में लिखना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, कहीं भी इंग्लिश में किसी का भी नाम लिखा हो तो उसको हम हिंदी कैसे बनाएंगे, यानी हिंदी में कैसे पढ़ेंगे या हिंदी में कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है कुमार। ओके फ्रेंड्स, लेकिन हमने तो कुमार पढ़ लिया, लेकिन जिसको नहीं आता पढ़ने वो कैसे पढ़ेगा। तो उसका नियम यह है कि आपने एक बार हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख लिया, आपको ये सारे फॉर्मूला याद हो गए हैं, ये जो है टेबल है ना, इसको आप अच्छी तरह से याद कर ही लो, रट्टा मार लो। ये बहुत काम की चीज़ है, किसी भी नाम को इंग्लिश में लिखने के लिए या इंग्लिश से हिंदी में करने के लिए यही टेबल काम आता है। ओके फ्रेंड्स, पिछली क्लास में भी मैंने ये टेबल लिखा था। तो के का इंग्लिश, जो इंग्लिश में के है उसका हिंदी क्या होता है, क होता है, आपको पता है। अब इसमें यू है, उसके बाद यू है, तो यू के मात्रा के लिए हिंदी में क्या मात्रा आना चाहिए। यू कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यू यहाँ पर है, तो ऊ का मात्रा, मतलब नीचे ऊ का मात्रा लगता है, कू। अब एम है, तो एम का मतलब होता है म। अब इसमें ए लगा है तो इसमें मा हो जाएगा, आ का मात्रा, ए का मतलब आ। ओके फ्रेंड्स, फिर आर है तो र हो जाएगा, कुमार, सिंपल है। अभी नीचे वाला लेते हैं, आर है तो आर का मतलब होता है रे, र, आर का मतलब होता है र, तो र हमने लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद है ई, ई कहाँ पर है, यहाँ पर है, ई का मतलब होता है ए का मात्रा, देखो ए का मात्रा है ना उसमें, तो ए का मात्रा डाल दिया हमने, रे। फिर उसके बाद एस एच, ए है तो श। फिर उसके बाद एम है तो म, रेशम। अभी फ्रेंड्स, अपने वो आप ये पूछ सकते हो कि यहाँ पर एम ए है तो आ का मात्रा डाला, और यहाँ पर एस एच ए है तो आ का मात्रा क्यों नहीं डाला, तो रेशम। ये हम लोगों को खुद समझना पड़ता है, इसमें कोई सटीक फार्मूला नहीं है कि जहाँ यहाँ पर ए होगा तो आ का मात्रा होगा, यहाँ पर ए होगा तो आ का मात्रा नहीं होगा, इसका कोई सटीक फार्मूला नहीं है, ये हमको खुद समझना पड़ता है। यहाँ पर हमने कुमार लिखा, अगर हम कुमार लिखते तो कुमार नाम नहीं होता है, आपके पास भी सेंस है, सबके पास भी सेंस है कि कुमार ही होना चाहिए, तो ऐसा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर आ का मात्रा होना चाहिए। अभी रेशम है, तो रेशम में अगर हम रेशम लिखते हैं तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि रेशम नहीं बोलते, हम रेशम बोलते हैं, तो यहाँ पर रेशम होगा। इस तरह से ए का मतलब कहाँ पर आ होगा वो हमें खुद ही समझना है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, अभी नीचे का है टी का है, टी का मतलब होता है तो, और ट भी होता है तो यहाँ पर ट लिखेंगे। अब उसके बाद यू है, तो ई का मतलब ऊ, ऊ का मात्रा तू। फिर एस एच ए है तो शाह, शाह यहाँ पर शाह लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लास्ट में आर का मतलब र लिखते हैं तो तुषार लिखते हैं तो नहीं सही होगा, हम खुद जानते हैं कि तुषार नहीं होता, तुषार होता है, तो तुषार हो गया। ओके फ्रेंड्स, अभी है जी, जी का मतलब होता है ग, उसके बाद ए है तो ग रहने देंगे, आर है तो र लिखेंगे, आर में आई का मात्रा, यहाँ पर आई का मात्रा है तो आई कहाँ पर है, ये यहाँ पर, आई का मतलब छोटी ई का मात्रा यानी पीछे से, तो री। और एम ए लास्ट में, कभी भी ए का मात्रा अगर ए दिया है तो लास्ट में हमेशा आ का मात्रा ही आता है। ओके फ्रेंड्स, गरिमा। अभी न है, एन का मतलब न होता है, अब इसमें ए आई है, ए आई लगा है, ए आई कहाँ पर है,
यहाँ पर है। AI का मतलब था ए, मतलब उसमें दो ऊपर मात्रा होता है, तो दो ऊपर मात्रा हमने डाल दिया। फिर से न है तो न लिख दिया। लास्ट में ए है तो आ का मात्रा, लास्ट में कभी भी ए रहेगा तो उसमें आ का मात्रा ही डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर नीचे का क है, के का मतलब क, इसमें ए यू है, ए यू यहाँ पर है, औऊ का मात्रा कऊ। फिर आर ए है तो र लिखेंगे, फिर वी है तो व, कौरव। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इसको लिखे जाते हैं। जी का मतलब ग, ए यू है तो ए यू का मतलब औऊ का मात्रा आता है, ऊपर दो और नीचे एक, फिर र है, फिर व है, गौरव। अभी के है, क लिख दिया हमने, अभी के है, के लिख दिया हमने क, फिर ए आई का मात्रा, तो ऊपर दो मात्रा आएगा। ए आई का मात्रा आता है, देखो ऊपर दो मात्रा आया। फिर एल ए है तो ल, फिर एस एच है तो श। अब यहाँ पर आ का मात्रा हम डाल सकते हैं, क्योंकि कैलश नहीं बोलते हैं, कैलाश बोलते हैं, ये हमें खुद समझना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर है व, तो वी हो गया, व, वी का व, आई का मात्रा है तो ई का मात्रा आएगा, फिर आर यानी र, फिर ई का मात्रा है तो ई का मात्रा के लिए ए मात्रा आप याद कर लेंगे तो आपको लिखने में सहूलियत हो जाएगी, फिर न, वीरेन। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे टी है तो टी का यहाँ पर हम त लिखते हैं, फिर डबल ओ का मात्रा है, डबल ओ का मात्रा यहाँ पर बड़ी ऊ का मात्रा आया तो इसमें ऊ का मात्रा लगा दिया। फिर फ का मतलब, एफ का मतलब फ होता है, फ, फिर ए है तो यहाँ पर फा लिखेंगे, फिर एन है तो न, तूफान। अब यहाँ पर तूफान लिखेंगे तो हम सही नहीं लगेगा, तूफान ही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम किसी भी इंग्लिश नाम को हिंदी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ और थोड़ा कठिन नाम लेते हैं और फिर उसको हम हिंदी में करते हैं। अभी हमने लिखा इधर, थोड़ा सा बड़ा नाम लिखा है तो यहाँ पर पी आर है, पी आर ए। हमने पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर जाकर पिछली क्लास को, इससे पहले हमने जो क्लास किया है उस क्लास को आप जाकर देख लेना, दो क्लासेज हो चुकी है, उस क्लास को आप जाके देख लेना तभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। ओके फ्रेंड्स, फिर भी मैं सारी की सारी चीज़ें इसमें बता ही दे रहा हूँ, फिर भी अगर आप शुरू से करना चाहते हैं, जो मैंने सीरीज शुरू किया है वहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, इसके पहले अभी तक दो क्लासेज हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कख गगह से बिल्कुल हमने शुरू किया है तो वहाँ से आप जाकर देख लेना। अभी पी आर ए है, तो मैंने पहले बताया था कि द्र प्र इस तरह का अगर इंग्लिश होता है तो उसमें डी आर ए लिखेंगे, डी आर ए, प्र होगा तो पी आर ए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पी आर ए है तो प्र होगा, प्र लिखा हमने, प्र। ओके, फिर उसके बाद टी है तो त लिखा, टी में आई का मात्रा है तो आई का मात्रा मतलब बड़ी छोटी ई का मात्रा, प्रति। फिर के है तो क, फिर आ का मात्रा का, त, प्रतीकात, सॉरी यहाँ पे हमको आर लिखना चाहिए था, र हो गया, प्रतिकार हो गया। ओके फ्रेंड्स, प्रतिकार। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ए ने हो गया तो न लिखा हमने, फिर सी एच आई हो गया तो सी एस एच, फिर आई का मात्रा है तो ई का मात्रा आएगा, फिर क का, फिर इसमें ई का मात्रा है तो ए का मात्रा आएगा, के, फिर टी है तो त, और इसमें लास्ट में ए का मात्रा है तो आ का मात्रा, नचिकेता। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने लिखा है पी ए आर, यहाँ पर ध्यान देना कि पी आर ए नहीं है, पी ए आर है, इसलिए यहाँ पर हम प पूरा लिखेंगे, प, फिर र, पर, पर लिख दिया, फिर एम ई है तो म में ए का मात्रा, एम में ई का मात्रा है, ई का मात्रा मतलब यहाँ पर आप देख लो ए का मात्रा, में, फिर एस एच है तो श, परमेश्वर, व, र, परमेश्वर। तो इस तरीके से हम किसी भी नाम को लिख सकते हैं, कोई भी नाम होगा आप उसको इंग्लिश में अगर लिखा होगा तो उसका हिंदी कर सकते हैं, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बहुत ही इजी है, बस आपको ये चीज़ याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ अगर आपने याद रखा है तो आप किसी भी नाम को, इंग्लिश नाम को आप हिंदी में
पढ़ या लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप रेगुलर क्लास देखते रहना अगर आपको लिखना पढ़ना सीखना है तो। देखना धीरे धीरे मैं कैसे आपको इस लायक बना दूंगा कि आप इंग्लिश की बुक पढ़ने लगेंगे। नाम की बात तो छोड़ो, आप इंग्लिश की बुक पढ़ना शुरू कर देंगे। बस मेरी क्लास को रेगुलर आप देखते रहो और जो मैं कह रहा हूँ उसको बस फॉलो करो। ओके फ्रेंड्स, अब ये नाम लिखने वाला है, इसके बाद मैं क्या शुरू करता हूँ अगले क्लास में, आपको इंग्लिश में कुछ भी चीज़ लिख कर दूंगा, फिर उसका हिंदी करना होगा, फिर हिंदी में दूंगा उसका इंग्लिश करना होगा, फिर इस तरीके से। मात्र मैंने आपको बोला है ना, मैंने आपसे वादा किया ना, सिर्फ एक हफ्ते में आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना शुरू कर देंगे। बस रेगुलर क्लास देखते रहो। एक हफ्ते का मेरा मतलब यह है कि एक हफ्ते में अगर मैं 3 वीडियो डाल रहा हूँ तो दूसरे हफ्ते में 3, यानी एक हफ्ते में 6 वीडियो, यानी कि 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन 6 वीडियो आप देखने के बाद या 6 या 7 वीडियो देखने के बाद आप इंग्लिश लिखना और पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी लास्ट में आपके सामने स्क्रीन पे इंग्लिश में बहुत सारा नाम लिखा हुआ आएगा, आप उसको नोटबुक में लिख लेना और उसका आप इंग्लिश टू हिंदी कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में उसका हम आंसर बताएंगे, आप उससे मैच कर लेना। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं या इंग्लिश लिखना बोलना समझना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।